ठंडा पानी मजा आ गया यार, मजेदार पानी है, मजेदार हवा चल रही है। अभी देख रहे हो बाल उड़ रहे हैं सारे यहाँ पे। एक चीज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसए व्लॉग्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो आज मैं जा रहा हूँ इसे कुल मैंने जाने के लिए, मैंने जाना था बस स्टॉप पे, तो बस स्टॉप पे मैं आ चुका हूँ इस वक्त पे। इसी के लिए है मशहूर के स्टॉप हैं सभी, तो यहाँ पे सभी मशहूर के लगे हैं जो दूसरी सिटीज में जाते हैं साथ साथ। वाला जो रीजन है चुई रीजन है, तो यहाँ जहाँ पे बिश्केक है, जहाँ पे हम खुद पढ़ रहे हैं। तो आज हमने जाना इसे कुल जाना, तो यहाँ से हमने जाना पड़ेगा। तो ये मशहूर के सभी लगे हुए हैं और यहाँ से दूसरी सिटीज़ के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन ये जो जगह है ये है अलमदीन के पास। तो साथ यहाँ से चलते हैं इसे कुल। मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद ये व्लॉग्स आ रहा है मेरा ख्याल, आई थिंक कई महीने, चार से पाँच महीने तो हो चुके हैं कि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो उसकी वजह ये थी पढ़ाई चल रही थी कुछ ज़्यादा ही, लेकिन अब क्योंकि छुट्टियाँ फ्री हैं तो अब कोशिश करूँगा रेगुलर व्लॉग डालने के। तो इनके स्टॉप पे तो ये है, ये भी है, स्टॉलो है, यानी कि लोकल फूड्स है ये है इनका, और साथ में ये मैगजीन जहाँ से खाना वगैरह मिलता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ खानी है, स्नैक्स लेने हैं वो ले लो। ये तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो सब कुछ लेके आए हैं वहाँ से, घर से ही सब कुछ पूरा कर लिया। ये मशहूर के लगे 1, 2, 3, लेकिन ये उधर नहीं जाएंगे, ये जाएंगे तुकमुक में जाएंगे। ये बिश्केक तुकमुक ये है, वो किमिन है, वो जाएगा इस कुल। ये जो है ना अपना लास्ट वाला ये वाला इसे कुल जाएगा, इसी में हम बैठ के जाएंगे अभी। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की तरह ना इनके बस स्टैंड पे भी बहुत ज्यादा रश होगा, लेकिन यहाँ पे कोई इतना रश है ही नहीं है, यहाँ पे तो बहुत थोड़ा सा रश है। पाकिस्तान में तो ऐसे भरा था जैसे फुल पता नहीं क्या है, पूरे बस स्टैंड पे लोग ही लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन यहाँ से चलते रहते हैं क्योंकि हमने उस पे जाना है। एवरी 45 मिनट्स में ये एक चल जाता है मशहूर का इधर से इसे कुल के लिए, तो यहाँ से जाएंगे क्योंकि इसका हमने रेंट भर दिया हुआ है। इस मशहूर का जो हमने रेंट भरा है वो 400 सोम है एक ट्रिप के लिए, क्योंकि उधर से जाना है और वापसी के लिए वो अलग हमें मशहूर का पकड़ना पड़ेगा। वो आप शाम को भी आ सकते हो या अगले दिन आ सकते हो, तो जब हम आएंगे वापस तो हम वो मशहूर का वापसी आने के लिए ले लेंगे, तो फिर वो 400 का ही मिलेगा कह तो रहे हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे तो आने के लिए देखते कि आने के लिए कितना है जो उसका फेयर बनेगा। ठीक है, ये मेरा फ्लैटमेट है मोहम्मद उस्मान, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो ये मेरे साथ ही जा रहा है। अब ये कह रहा था आगे बैठ के जाना मशहूर के में, तो अब आगे बैठ के जाएंगे इधर वाली साइड, वरना इधर भी साइड है यहाँ भी बैठ के जा सकते हो, लेकिन यहाँ से कुछ नजर आता रहेगा ना, तो फिर यहाँ से चलेंगे। तो रास्ते में आते हुए ये जो है ना यहाँ पे बाड़ है, पूरे बॉर्डर बनाया हुआ है साथ साथ, साइज में नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे बॉर्डर है उसकी, उस वाली साइड पे कजाकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है, और दोनों साथ साथ ये साथ ये किर्गिस्तान है समझ लो, और वो जो है ना पहाड़ी ये कजाकिस्तान की, तो ये बहुत पास पास है, इसके साथ ही जाते जाते सारी ले गए। ये आप देख सकते हो तो 5 मिनट के लिए ब्रेक हुई है, तो ये मशहूर का खड़ा हो चुका है इधर। ये किमिन सिटी है, किमिन सिटी के छोटा सा बस जो एरिया है, कुछ करना है वॉशरूम वगैरह, कुछ क्या करना कह रहा हूँ वॉशरूम वगैरह करना तो आप कर सकते हो इधर। ये सारा सीन है इसका, ये वाला ये चीज़ सारी। अभी इसके पीछे जो थे ना वो ओवरलॉक का था, उसके पीछे जो था वो तुकमुक था, अब ये किमिन आ जाता है, किमिन से आगे अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। पहली बार तो मैं आ रहा हूँ, तो अभी मैं साइन बोर्ड ही खुद ही देखता आ रहा था कि क्या क्या किधर कौन कौन सा छोटा छोटा जो कस्बा है, छोटे छोटे शहर हैं इनके, वो आ रहे हैं। हाँ जी, मज़ा आया सफ़र का, जबरदस्त सफ़र है यहाँ का। इधर एक साइड पे कजाकिस्तान था, दूसरी साइड में बिश्केक के माउंटेन थे। हाँ ये तो है, इसकी जो दूसरी वाली साइड है ना ये वाली, इससे आगे, और ये इसकी नहीं, ये भी कजाकिस्तान की, वो वाले कजाकिस्तान की, वो वाला इससे कजाकिस्तान में आता था। इस वाली साइड पे है ना तो थोड़ा सा मौसम फिर भी ठीक है, नहीं तो बिश्केक में तो बहुत बुरा हाल है, पिछले 2 दिन से 42-43 डिग्री सेल्सियस तक गया है टेम्परेचर। तो अभी इस वाली साइड पे ठीक है, उस वाली साइड पे काफ़ी बादल भी हैं और आगे वाली साइड पर भी हैं, तो मौसम अच्छा ही है तकरीबन। Sometimes everything was on the line, didn't want to be the one who had to say it. No, I can't rewind the time, promise I'll put down my pride, don't look back because I mean it when I say it. I lose, but if I'm gonna lose you, yeah.
जबरदस्ती इधर तो बड़ी आवाज जबरदस्त है। दूसरा स्टे हमारा इधर हुआ है और ये सामने पहाड़ है कुछ इस अभी तो बड़ी मजेदार हवा चल रही है, अभी देख रहे हो तो बाल उड़ रहे हैं सारे, लेकिन हवा बड़ी जबरदस्त चल रही है। खैर अब नेक्स्ट जो है ना स्टॉप वो सारा इसी पुल में जाके होगा। यहाँ पे छोटी सी मैगजीन है जिसकी वजह से इन्होंने रोका हुआ है इधर, और जिसने वो टॉयलेट शॉयलेट जाना तो वो भी चले जाएगा इधर। सब कुछ एक छत तले सारा काम। हाँ जी, तो अभी रूम मिल चुका है, तो ये है पहुंच चुके हैं अभी रूम, क्योंकि रूम लेना थोड़ी सा मुश्किल था यहाँ पे। जब भी है जैसे ही मशरूत के से उतरे हैं तो पहला काम मशरूत के से उतरते ही रूम लिया, पहले अपना वो रूम लो क्योंकि यहाँ पे रूम मिलता नहीं है आजकल, क्योंकि सीजन पीक पे है तो इसलिए मिलता नहीं है। तो इसलिए जब भी आप लोगों में से कोई भी आ रहा है तो सबसे पहले अपने लिए रूम ले लेना और फिर लेक पे जाना। तो अभी मैं क्योंकि यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने चेंज भी कर लिया, तो अभी मैं लेक पे जा रहा हूँ और आपको साथ में अभी अपना रूम भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या है ये, क्योंकि हम तो दो लोग हैं लेकिन चार बेड लगे हुए हैं। तो ये हमारे जो कॉस्ट किया ना एक दिन का, वो 800 सोम हमें चार्ज किया है इन्होंने, तो क्योंकि कल हमने चले जाना है फिर वापस, तो इसी वजह से इन्होंने 800 सोम हमसे एक नाइट का चार्ज किया। तो हम दो लोग हैं लेकिन हमें मिला चार बेड्स वाला है, क्योंकि अभी वहाँ भी यहाँ पर कोई है नहीं था, तो इसलिए हमने उसके रिक्वेस्ट की, अगर इनका भी खाली रहना था मुझे लगता है, तो इसलिए उन्होंने दे दिया। तो मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे आते जितना हम आगे लेक के पास जाते हैं ना, तो वहाँ पे उतना ही महंगा होटल का रूम मिलता है, और जितना थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेते हो उतना ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। वैसे भी तो रात ही गुजारनी है तो सुकून से चिल विल करके अब सोएंगे यहाँ पे रात को, पहले अभी वहाँ पे जाते हैं ना लेक पे मजा शजा करते हैं, तो फिर वहाँ से फिर आके फिर सुकून से आपको दिखाएंगे, अभी लेक भी दिखाएंगे आपको वहाँ। हाँ जी भाई, तो पहुंच चुके हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे लेक पे, पूरा बहुत सीन है, बहुत मजे का सीन है यहाँ पे, ये सारी लेक क्या मजेदार है। ऊपर से मौसम भी बड़ा अच्छा है, गर्मी है फुल, पता क्या सीन है, जब नहाते हो नहा के जब रेत के ऊपर, ये जो रेत है ना इसके ऊपर लेटते हैं ना, तो फिर सुकून जो आता है ना वो सुकून ही कहीं भी आता है, यही तो मजा है इधर आने का। अभी वो भी बोट लेंगे, वो बहुत बड़ी बोट है, ये चलेगी वहां से पूरा चक्कर लगाएगी, अब ये लेंगे। ठंडा पानी, मजा आ गया यार, मजेदार पानी है इधर का, इतना जबरदस्त है, हाय हाय हाय। वाकई वैसे ये सही कहते हैं, इसकी ये खसूसियत है इस लेक की कि ये जो लेक है ना ये 10th बिगेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, और जो है ना 7th डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी आप देख रहे हो आपको क्योंकि इसका किनारा नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेक है, ये पूरी दुनिया की 10वीं बड़ी लेक है। तो बड़ा मज़ेदार, पानी भी इतना साफ, बहुत मज़े का, बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे यहाँ पे तो आगे एक बार में पैसे पूरे हो चुके हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैं भी नहा के थोड़ा सा अभी फिर से इधर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अपनी ये जो लगवा ली हुई है अभी यहाँ पे बैठे हैं, अभी इसके बाद फिर जाऊँगा नहाने के लिए वहाँ उपाय, तो फिर मज़ा आएगा और भी ज़्यादा। बस यहाँ पे एक चीज़ बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा चुभती है, बंदा जो है ना एक बार फुल से काला हो जाता है, एक बार जैसा भी है ना, जो है ना सन ब्लॉकर भी इतने काम नहीं करते, इतनी तेज़ और चुभन वाली गर्मी है, और साथ में जो रेत है ना ये वाली, बस ये जो गर्म है ना इसकी वजह से भी जो हीट पहुंचती है ना जिसमें, वो उससे थोड़ा सा पड़ता है फर्क, लेकिन मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इतना ज़्यादा खारा नहीं है, लेकिन है मज़े का बहुत, एक तो इसका जो है ना ठंडा भी नहीं है इतना, और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बड़ा मज़ेदार पानी है, और लेकिन
टेस्ट की बात करो तो बहुत खारा है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन है खारा ये पानी। अच्छा तो नहाने होने के बाद आप आ गए खाना खाने के लिए, तो खाना मंगवा लिया हुआ है, चिकन फ्री है, फलीब है, लपोश की है जो खाते हैं पाकिस्तान में, नान वगैरह खाते हैं लपोश की, आज इन तौर को एक दो राइस मंगवा लिए, एक आ गया एक अभी और आएगा, साथ में चाय है इसको कहते हैं ग्रीन टी, ये ग्रीन टी मंगवाई है और साथ में पानी है, तो ये तो मैं पी रहा हूँ साथ साथ। इसका टेस्ट ज़बरदस्त है, बाकी जो ये चिकन देखते हैं कैसा है। Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line, didn't work.